बोर्डिंग टाइम्स न्यूज। पटना पुस्तक मेला में बहुत ही चर्चित कवित्री जो हैं लीना झा, उनका कार्यक्रम भी हुआ इस मेले में, और उनकी एक नई रचना आई है जिसका शीर्षक है शिवली के फूल, डॉक्टर लीना झा। तो हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कविता जो आई है ये इनको लिखने में क्या क्या प्रोसेस रहा। तो हम सीधे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ का जो माहौल है उसको देख करके हार्दिक खुशी हो रही है। और ये बताइए कि आपका जो ये कविता संग्रह आया, तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कविता लिखने की प्रेरणा आपको कैसे? बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि लोग पूछते हैं कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से आती है। कविता मेरे लिए जो है दिल से निकलती है। कुछ देखती हूँ, कुछ सोचती हूँ उसके बारे में, और फिर कहीं से कविता उत्पन्न होती है। उसके बाद ज़रूर थोड़ा मनन करती हूँ, पर मेरे लिए कविता जो है इट्स अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, जो वर्ड्सवर्थ कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, सर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मेरे लिए कविता इट्स अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। कविता एक कवि के लिए जो होता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो एक जो सेंस होता है कविता को लिखने में, तो आप कैसे तलाशती हैं उस? तलाशती नहीं हूँ, वही मैंने आपसे कहा, मैं तलाशती नहीं हूँ, शायद कविता मुझे तलाश लेती है। जो हमारा समाज है, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, हमारी सोसाइटी है, संस्कृति है, उसी में घूमते फिरते वहीं से प्रेरणा लेती हूँ। तो ये कहना कि मैं कविता तलाशती हूँ शायद गलत होगा। कभी कभी कोई घटना इतनी ज़्यादा आपको प्रेरित कर जाती है कि आप लिखने को बैठते हो, और जब आप लिखने को बैठते हो तो कभी कभी कोई शब्द आपके जहन में नहीं आता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो चुके हो कि शब्द कम पड़ते हैं उसके लिए। और फिर अचानक से जब आप उस पर सोचते रहते हो, अचानक से ऐसा लगता है मान लो कि कोई जादुई बक्स खुल गया हो, और आप लिखने बैठते हो और वो आप फ्लो में लिखते चले जाते हो। तो मेरे लिए कविता उसी तरह से होती है। कविता में मूल रूप से आप किन पक्षों को रखते हैं? पक्षों से जैसे मैं स्त्री प्रधान कविताएं ज़्यादा लिखती हूँ, और जब मैं स्त्री प्रधान कविताएं लिखती हूँ तो मैं उन्हें शोषित या कमज़ोर की तरह दिखाना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मेरी कविताओं में स्त्री आपको कभी भी कमज़ोर नहीं दिखेंगी। मेरी कविताओं में स्त्री आपको हमेशा उठ करके किसी भी स्थिति से उठ करके लड़ करके स्वयं को सक्षम दिखाते हुए मिलेंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कविताओं में चीत्कार देना यही दिखाता है, पुनः यही दिखाता है कि हमें संरक्षण चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मुझे संरक्षण चाहिए। नहीं, मैं अगर खुद को सक्षम करूँगी तो संरक्षण भी चारों तरफ से पैदा होना शुरू हो जाएगा। लोग आएंगे, कहेंगे नहीं, ये स्त्री सक्षम है तो इसे इसका साथ देना चाहिए। एक कविता जो आपको सबसे ज़्यादा, जो आपकी रचना है, ऐसे तो रचनाकार जो होते हैं, कवि जो होते हैं, उनकी अपनी सारी रचनाएं बहुत अच्छी होती हैं, कोई एक कविता जो आपके जहन में हमेशा रहता हो, कविता का दो लाइन मुझे सुनाइए। उषा की उच्छ्वासी मधुर चंचल रागनी में, तिमिर मन की चांदनी पर्ण पावस प्रीत भी मैं, ताज पीहर की सलोनी पिता की दृग्मान भी मैं, नुपुर की झनकार भी मैं, सहज किलकती साज भी मैं। आप चाहेंगे कि मैं आगे भी पढूं? सुनाइए। चल पड़ी हूँ संग तेरे प्रियतम उर विश्वास रख के, चल पड़ी हूँ संग तेरे प्रियतम उर विश्वास रख के, अंजलि भर तंडुल कण दे समा गई मैं स्वयं तुझ में, हर ऋतु मधुमासी नेह स्वर्णिम धूप सी में,
ज्येष्ठ की तपिश में भी आराधना की साधना में। अब ध्यान देने योग्य बात है, सौंपा है सर्वस्व, सौंपा है सर्वस्व पर पराकाष्ठा विश्वास की मैं, ये मैं अंगीकार करना प्रबुद्ध शुद्ध श्रृंगार भी मैं, यह मैं अंगीकार करना प्रबुद्ध शुद्ध श्रृंगार भी मैं स्त्री का सरल रूप हूँ, मैं स्त्री का सहज रूप हूँ, मुझे कमज़ोर मत समझना क्योंकि पराकाष्ठा विश्वास की मैं। बहुत बहुत अच्छी कविता जो आपने सुना अलीना जी से। हम ये जानना चाहेंगे कि आप बिहार से हैं, बिहार की परिवेश से हैं और आप अभी फ़िलहाल आप मुंबई में रहती हैं, तो पुस्तक मेला में आप आई तो मुंबई में भी किताबों को लेकर साहित्य को लेकर के वहाँ किस तरह का माहौल है उस पर कुछ प्रकाश डालें। मैं मुंबई लिट फेस्ट में अक्सर जाया करती हूँ और मैं आज यही कह रही थी, आज मैंने खास करके 3-4 घंटे पटना पुस्तक मेला के लिए रख रखा था और मैं यहाँ घूम रही थी और फ़र्क मुझे ये दिखा कि वहाँ पर मुंबई में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ यहाँ हो रहे हैं, वहाँ अंग्रेज़ी किताबों की बहुत आयत रहती है। मैं ढूंढती रहती हूँ हिंदी किताबों को, हिंदी लेखकों को, बहुत कम मिलते हैं। यहाँ जब मैं आई तो लगा मुझे जैसे कुंभ है, किताबों का कुंभ है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं वही कह रही थी कि बहुत हम्बलिंग फीलिंग है, मैं खुद लिखती हूँ, ये मेरी पहली किताब है हिंदी की और यहाँ आकर के मुझे लगा कि कितने सारे लेखक हैं, लोगों को सुनने को मिला, किताबों को देखने को मिला, पलटने को मिला, बहुत ही अद्भुत फीलिंग है। लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि प्लीज़ आइए, जो पटना के लोग हैं वो लोग प्लीज़ आएँ और इस मेला में घूमें, देखें, पुस्तकों के करीब आएँ, कुछ देर के लिए मोबाइल वाकई छोड़ें और पुस्तकों से अपना पुनः संबंध बनाएं। अब इसी पर एक चर्चा इसमें जुड़ गई कि पटना पुस्तक मेला का शीर्षक भी है कि मोबाइल छोड़िए, किताब पढ़िए। जी जी, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? यंगर जनरेशन जो है, शायद अभी कोविड भी हुआ था, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही थी, जिसकी वजह से मोबाइल और लैपटॉप के बहुत करीब आ गए हैं, तो उनको किताबों के करीब अर्थात पृष्ठों, पन्नों, कागज़ के प्रति लाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा उनको, चूँकि उनका हम अगर बच्चे रोते भी हैं तो उनके हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल देने की जगह हमको उनके हाथों में किताब देना पड़ेगा। ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, हमारे जेनरेशन की गलती है, हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम उनको किताबों के करीब लेकर के आएं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ऐसा मौका दिया आपने और मैं आपके चैनल को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये लीना झा कवित्री और इनकी रचना आई, इनसे हम बात किए, इनकी कविता को भी सुने। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।